यूथ मंगा जवाब तहत मानसा में यूथ अकाल दल की विशाल रैली। मानसा के डीडी फोर्ट विखे 11 बजे होगा नौजवानों का विशाल इकट्ठा। यूथ अकाल दल के प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाणा रैली च करेंगे शिरकत। वड्डी गिनती में नौजवान कैप्टन सरकार तो वायदे का मंगणगे हिसाब। लोगों वालों बीते 4 वर्षों का कैप्टन अमरिंदर सिंह तो ले रहे लिखा जोखा। श्रोमणी अकाल दल की कोर कमेटी की अज अहम बैठक। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई च होगी बैठक। दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर चंडीगढ़ विखे होगी बैठक। डीएसजीएमसी चोणा से पार्टी की रैलियां सने कई अहम मुद्दों से होगा विचार। राजस्थान किसान आगू राकेश टिकैदी कार से हुए हमले की चारे पासे निखेधी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी हमले की की निंदा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा हमला किसान के एकता जज्बे की भावना तोड़न की कोशिश। श्रोमणी अकाली दल किसान आगुआ के मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ा। हमले के रोस वजो किसानों ने कल 1 घंटा KMP हाईवे रखा से जाम। गुरदासपुर में भी टिकैत से हुए हमले लैके भड़के सन किसान। अमृतसर जम्मू कौमी मार्ग किसानों ने जाम कर किया प्रदर्शन। राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैदी कार से हमला। राकेश टिकैत ने भाजपा आगुआ उत्ते गुंडागर्दी दिला इल्जाम। हमलावर की गिरफ्तारी लिए किसानों ने लगाया सड़क से धरना। अकाली विधायक मनप्रीत सिंह याली ने कांग्रेस के खिलाफ खोलिया मोर्चा। पिंड ढोलन की सबका अकाली सरपंच खिलाफ दर्ज मामले से किया मुजहरा। मनप्रीत याली ने कहा कैप्टन संदीप संधु अकाली वर्करों से झूठे पर्च दर्ज करवा रहे ने। वड्डी गिनती में जुड़े लोगों ने कांग्रेस खिलाफ की नारेबाजी। गैंगस्टर अंसारी यूपी नंबर की एंबूलेंस में हस्पताल ले जाने से जेल मंत्री की सफाई। क्या साडा काम जेल तक सीमित बाहर का सानू नहीं पता। जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा यूपी नंबर की एंबूलेंस में अंसारी हस्पताल ले जाने से रोपड़ के SSP तो मंगो जवाब। जगराऊं च पटियाला की 38 साल औरत को कैनेडा भेजने का झांसा देख के 2 NRI लोगों ने किया जबर जनाह। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। बिजली करंट लगन नाल पंजाब पावर विभाग के सहायक लाइनमैन की मौत। पीड़ित परिवार ने फाजिलका के सिविल अस्पताल के बाहर बिजली विभाग के खिलाफ लगाया धरना। पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग के मुलाजमान से लापरवाही के लाए इल्जाम। क्या ड्यूटी ना होने भी साढ़े मुंडे को इकले ही भेजा गया। गुरविंदर सिंह वजो हुई मृतक की पछाण। फरीदकोट अमृतसर नेशनल हाईवे के केंद्रीय जेल मॉडर्न जेल तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल मारी टक्कर। हादसे मोटरसाइकिल सवार मामे पांजे की मौत। हादसे तो बाद बस ड्राइवर मौके तो होया फरार। उधर घटना तो बाद मौके से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। पटियाला की थापर यूनिवर्सिटी चौंक से DAV स्कूल के विद्यार्थियों के अध्यापकों ने किसानी संघर्ष की शहादत प्राप्त करने वाले परमवीर को दी श्रद्धांजलि। बीते दिन किसानों के हक में सड़क किनारे खड़े परमवीर को तेज रफ्तार कार ने सी कुचलिया। हादसे में 2 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की हुई सी मौत। कांग्रेसी सरपंचा ने अपनी ही सरकार खिलाफ खोलिया मोर्चा। दड़बा विच कांग्रेसी सरपंचा ने किया पंजाब सरकार के खिलाफ मुजहरा। कांग्रेसी सरपंचा ने कहा हाले तक तनखा भी नहीं दे सकी कैप्टन सरकार ते केंद्र दी ग्रांटा ते रोक लगा। पिंडा का विकास कारज भी रोकिया। कांग्रेसी सरपंचा ने पंजाब सरकार नूं चेतावनी देंदिया कहा जेकर सरकार ने हाले भी साडी गल ना सुनी तां जिला पद्धर ते करांगे मुजहरे। अमृतसर में 2-13 में कार झगड़े दौरान हुई महिला की मौत का मामला। महिला के गोली वजन दी तस्वीर आई सामने। पूरी वारदात CCTV कैमरे हुई कैद। बीते दिन महिला की गोली वजन हुई सी मौत। पंजाब में नहीं रुक रहा कोरोना केसों की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 2903 नवे कोरोना के मामले किए गए दर्ज।
एक दिन के अंदर कोरोना के 57 मरीजों की ली जान, सब तो वह कोरोना केस 439 जलंधर चो आए सामने।